नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दो साल पहले मोदी जी ने भीम ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आप यूपीआई का इस्तेमाल करके विभिन्न विभिन्न जगहों पर पैसे भेज सकते थे। ये सर्विस नेशनल कॉमन मोबिलिटी के अंदर आती थी, इसमें यूजर्स को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो अब हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च कर दिया है, जो कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी के अंदर ही आता है। तो इसका क्या मतलब है, वन नेशन वन कार्ड कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे आपको मिल जाते हैं, कैसे आप इसको ले सकते हैं, इस सब के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि वन नेशन वन कार्ड, मतलब कि आप बहुत सारी जगह, यानी कि लगभग हर जगह पे आप एक ही कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर पाएंगे। तो पहले क्या होता था कि आप एटीएम जाते थे तो आपको डेबिट और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो आपको मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर आप कहीं टोल भर रहे हैं तो आपको वहां पे कैश देना पड़ता था, या फिर आप बस में सफर कर रहे हैं तो वहां पे आपको कैश देना पड़ता था। वन नेशन वन कार्ड में आप एक ही कार्ड के माध्यम से हर जगह पे पेमेंट कर पाएंगे। ऐसे में आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो आप उसी कार्ड से आप वहां पे पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप बसेस में जा रहे हैं, जो सरकारी बसें होती है, उसमें आपको कैश देने की आवश्यकता नहीं है। आप ये रुपए का जो वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है, इसके माध्यम से आप वहां पे टिकट का भुगतान कर सकते हैं, टोल प्लाजा पर भी आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है एटीएम मशीन में भी इसका इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकते हैं, और जो है शॉपिंग में, मूवी में, जहां पर भी आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की जगह और इत्यादि जितनी भी जगह है, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके जो चार्जेस होते हैं वो कितने रहेंगे, जैसे आप वीजा या मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो आपको वहां पर साल में 150 से 200 रुपए देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सालाना तो देना ही पड़ेगा जितना भी उसका चार्ज होगा। हालांकि ये कार्ड रुपए है, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल सर्विस है, तो आपको ये वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के मुकाबले सस्ता ही पड़ेगा। जिस तरह से आपको भीम यूपीआई में कैश बैक मिलता था, आप कहीं भी पैसा भेजते थे, तो उसी प्रकार जब भी आप इस कार्ड के माध्यम से लेन देन करेंगे तब आपको यहाँ पे कैश बैक भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप हर जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो सबसे पहले अभी SBI के माध्यम से मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, लेकिन 25 और ऐसे बैंक हैं जो इस कार्ड को आपको बना के देंगे। तो आपको ये कार्ड डेबिट कार्ड की फॉर्म में, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में, या फिर जो प्रीपेड कार्ड होते हैं, जैसे मेट्रो कार्ड है और पहले आपको उसमें पैसे डलवाने पड़ते हैं तो आप उसमें खर्च कर सकते हैं, तो उस फॉर्म में आपको ये कार्ड मिल सकता है। वो आपका बैंक आपको किस तरह से देता है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पर डिपेंड करता है। आपको ये पेटीएम पेमेंट बैंक तक आपको इसको देगा, तो बाकी के जो 24 बैंक बच रहे हैं उसमें आपका जो बैंक है वो आसानी से आ जाएगा। तो आप जाके अपने बैंक में संपर्क करके इस कार्ड को ले सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको, जैसे कि डिजिटल इंडिया आया तो भीम में जो आपको बेनिफिट मिलते थे, या फिर आप पेटीएम में जो कैशबैक मिलता था, उस तरह का कैशबैक आपको मिलेगा, क्योंकि ये वन नेशन वन कार्ड जो है आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि ये रुपे कार्ड है, इसमें जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, ये बाहर की फाइनेंशियल कंपनियां हैं, उनका कोई भी रोल नहीं है आपके ट्रांजेक्शन में। तो आपके जो ट्रांजेक्शन है वो आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं और जो है सस्ते पड़ेंगे। तो आप चाहे तो इसको अपने बैंक में संपर्क करके इस कार्ड को ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस कार्ड को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।